पूरे इंडिया में जिस प्रकार से नारियों के तरफ मानसिकता है, खासकर पुरुष वर्ग की, उनके लिए एक मैसेज जाना चाहिए केवल मानसिकता। देखिए ऐसा है ना कि हम भारत देश में हैं और जब से योगी जी की सरकार आई है और मोदी जी की सरकार आई है तो महिलाओं के एक रक्षा सुरक्षा बहुत ही बड़ी है। और खास तौर मैं उत्तर प्रदेश से मैं चुनाव लड़ती हूँ और हमारे जो जब मैं समाजवादी पार्टी में थी तो मेरा इतना जो एक्सपीरियंस है वो खराब रहा, लेकिन जब से मैं बीजेपी में हूँ और महिलाओं के अस्मिता को ठेस पहुँचाने वालों को किस तरह के जो पनिशमेंट होती है वो हमने देखा है, तो मुझे गर्व एहसास होता है कि इस पार्टी में रहते हुए हमारे मोदी जी और योगी जी आने के बाद महिलाओं के लिए हम सशक्तिकरण की बात होती है और उनके उत्थान की बात होती है, तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ आने वाले जीवन में बहुत अच्छा। जयप्रदा जी जो फिल्म इंडस्ट्री के रानी के थे, अब क्या आज की डेट में आपकी उम्र के बहुत सारे जो एक्टर हैं वो काम करती हैं, अभी भी इंडस्ट्री में मौजूद हैं, क्या आपको भी मिस करती हैं राजनीति और समाज सेवा के दृष्टिकोण से जब आप राजनीति में पदार्पण कर चुकी हैं तो? नहीं, राजनीति और चलचित्र में काम करने में बहुत ही अंतर है, लेकिन दोनों में मैं अभी भी कर रही हूँ काम। ऐसा नहीं है कि चल मैं तो फिल्म छोड़ दिया और राजनीति में ही हूँ, अभी भी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। अपकमिंग कुछ बता दीजिए। अपकमिंग में तो पंजाबी फिल्म रिलीज हो रही है, तेलुगु फिल्म रिलीज हो रही है, फातिमा वेब सीरीज रिलीज हो रही है, तो मैं तो काम ही कर रही हूँ। और फाइनली क्या कुछ आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे, आपको जो मिस करती हैं, जो बहुत सारे लोग हैं अभी भी आपके डायर फैन हैं और आप हमारे साथ मुलाकात? देखिए महिलाओं के लिए मैं हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी हूँ और मेरे झगड़ा जो है आजम के साथ कोई भी यू नो लाइक मेरा मेरा ना व्यक्तिगत नहीं है, निजी नहीं है, क्योंकि ये तो राजनीति झगड़ा है, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी आने के बाद और बीजेपी सरकार आने के बाद महिलाओं के रक्षा और सुरक्षिता बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा हुआ है, मैं गर्व एहसास करती हूँ कि इस पार्टी में रहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।